हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर गुप्ता। मैं पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल में जो मेडिटेना हार्ट सेंटर है उसमें एज कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन की। पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन कब होता है? जो हार्ट से लंग्स के लिए आर्टरीज जाती हैं उन आर्टरीज का जब प्रेशर बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, उसको पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मली रेस्ट पे ये प्रेशर 20 तक होता है और एक्सरसाइज के बाद 30 तक बढ़ता है। अगर ये प्रेशर रेस्ट पे 20 से ज़्यादा और एक्सरसाइज के बाद 30 से ज़्यादा बढ़ जाए उसको पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। लंबे टाइम तक अगर इस बीमारी को कंट्रोल में नहीं किया गया या इसका इलाज नहीं किया गया तो इससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए आपको अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। इस बीमारी के अलग अलग टाइप के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि सांस चढ़ना, होठों का नीला पड़ना या नाखूनों का नीला पड़ना, बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर से जल्दी ही परामर्श लीजिए। पहले पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन को डायग्नोज करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन आज के टाइम में इसको डायग्नोज करना आसान हो चुका है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी नई फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, जिनमें से एक कॉमन इक्विपमेंट होता है इकोकार्डियोग्राफी। और इसके लिए हम सिटी स्कैन चेस्ट का या पल्मोनरी आर्टरीज का सिटी स्कैन करा के भी इसका आइडिया लग जाता है। जिन पेशेंट्स को पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है उन्हें एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उन्हें अपना ब्लड प्रेशर और अपना वेट भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को अपना सॉल्ट इनटेक भी लिमिटेड रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट या लिक्विड आइटम्स जैसे कि पानी, जूस, ये चीज़ों को भी रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए ताकि ये ज़्यादा हार्ट पे लोड न डालें। ये पेशेंट जो पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है जिन्हें, उन्हें कैफीन और अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए और इन पेशेंट्स को अपने डाइट में आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए। ये पेशेंट्स अपनी डाइट में गार्लिक को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि गार्लिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। जो पेशेंट्स पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन वाले ब्लड थिनर्स लेते हैं उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे विटामिन के आपकी बॉडी में बढ़ता है जो आपकी ब्लड थिनर मेडिसिन के फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है। इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है, बहुत हैवी वेट नहीं लिफ्ट करना है और ज़्यादा ऊंचाइयों वाले ऑल्टीट्यूड वाले स्थानों पर जाना भी अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर ऑक्सीजन के लेवल कम हो।